जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीरगल गांव में। बीरगल गांव ये डिस्ट्रिक्ट गजर का एक गांव है। अगर आप गाकूच यानी हेडक्वार्टर गाकूच से इश्कुमन वैली की तरफ मूव करते हैं तो दरमियान में ये गांव आता है, और ये गांव इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है, और इस फार्मिंग के लिए सैकड़ों यहाँ पर ट्राउट फिश के प्राइवेट फार्म्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर उनकी परवरिश करते हैं, ट्राउट पालते हैं, फिर उसको डिफरेंट जगहों पर बेचते हैं। आम रूटीन में हमें देखा जाता है कि ट्राउट बहुत सारी जगहों पर कुदरती तौर पर मौजूद है, बट उनके शिकार पर पाबंदी है। तो यहाँ जो जो फार्म्स के ओनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा हैं, आप कैसे हैं? खैरियत से हम वेलकम करते हैं बीरगल वैली में आने के लिए। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर। यहाँ पे मुझे फ़िश फॉर्म बहुत सारे नज़र आए, तो मैंने सोचा कि आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि आप लोग इस एरिया के हैं और ओन भी करते हैं बहुत से लोग इसको। तो ये फ़िश फॉर्म्स यहाँ पे इस बीरगल गांव में कब से बने थे? ये पहले लोगों को ये अवेयरनेस नहीं था इन फ़िश फार्म के बारे में। ये 10 साल पहले यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ आकर कुछ मछलियाँ डालना कोशिश किया, फिर वो जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर दूसरा तीसरा ऐसा होते हुए अभी तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे फ़िश फार्म बने हुए हैं। इनकी मार्केट तक रसाई भी अभी हो गई है, और ये मार्केट तक जो है ना अपना फ़िश जो है ना यहाँ गिलगित में, सरीना में, पिंडी तक ये बेच देते हैं यहाँ पे। कोई बाहर से आना चाहता है तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह की क्या अहमियत है उसके बारे में बताइए। जिस आपने कहा था टूरिज्म की, टूरिज्म का यहाँ से यहाँ बहुत ही पोटेंशियल है। जिस मुकाम पे आप यहाँ खड़े हैं बीरगल, यहाँ पे अपने साथियों ने बता दिया कि ऑलरेडी यहाँ पे जो फ़िश पॉन्ड्स हैं इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जिस मुकाम हम खड़े हैं आप देख लें दाएँ साइड पर, ये जो पहाड़ है ये हिंदू कुश रेंज है, और ये जो रेंज है ये कराकुरम का है। तो इस वक्त आप हिंदू कुश और कराकुरम के दरमियान खड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इश्कुमन वैली को विज़िट करने के लिए। तो इसके अलावा जो यहाँ पे जो दरिया है, जिस दरिया को आप शायद टच करते हुए आ रहे होंगे, तो ये बाज़ाहिर तो अभी आजकल ये दरिया इश्कुमन कहलाता है, मगर इसका एंशियंट नाम था हनासारा। जब बुद्धिस्ट यहाँ पे होते थे 2nd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, तो ये एरिया इसको हनासारा बोलते थे। इस वैली की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं, और ये वैली जो है ना जाके वहाँ कॉरिडोर को टच करता है, वहाँ से आप ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। अगर कोई मेहमान आता है तो उनके लिए गाइडलाइन थोड़ी सी अगर आप दे सकें कि इधर विज़िट करना चाहता है कोई, इस फॉर्म्स को देखना चाहता है, यहाँ से मछली लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, एक तो प्रोफेशनली अगर कोई बिज़नेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है मछली यहाँ पर आ सकता है, तो स्टे कहाँ करे, और यहाँ से ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गाइड कीजिए। गाकूच जो हेडक्वार्टर है यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो है कोई 20-30 मिनट का रास्ता है। तो गाकूच के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे स्टे कर सकते हैं, एंड उसके साथ इश्कुमन के अंदर चटोर खान में हमारे पास बहुत होटल्स हैं, सर फेरिस रॉयल गेस्ट हाउस है, बामे दुनिया है, तो वहाँ पे भी लोग स्टे कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना ख़रीदारी भी कर सकते हैं, इसको इन्जॉय भी कर सकते हैं, दोनों पर्पसेस के लिए ये यूज़ हो सकता है। अगर कोई वैसे विज़िट करना चाहता है उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं हमारे लोगों को। जी ये मैं कहूँगा कि गिज़िर जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी एनरिच है डिफरेंट टेस्ट के हवाले से। यहाँ जो फूड लवर हैं वो आए तो यहाँ बेहतरीन आपको खाने मिलेंगे यहाँ के लोकल, और जो ट्राउट और लवर हैं वो भी यहाँ आएँ, आपको ट्राउट अब बहुत ज़्यादा मिलेगी और थ्रू गियर मिलेगी। उसके अलावा जो लैंडस्केप लवर हैं वो भी आएँ, यहाँ आपको डिफरेंट लैंडस्केप मिलेगा, और यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं, आपको वेलकमिंग एवरी टाइम, और बहुत कुछ आपको मिलेगा। फ्रूट्स स्पेशली मैं ज़िक्र करूँगा कि यहाँ के जो ग्रेप्स हैं मोर देन कहा जाता है कि मोर देन 50 टाइप्स के यहाँ अंगूर हैं, और इसी तरह सेब की कई किस्में हैं, अखरोट यहाँ आपको अवेलेबल है, बादाम अवेलेबल है। यानी आपके तो बहुत इंजॉय हो गए ना, आप तो फ्रूट लवर वैसे भी हैं। तो अब दिल करता है कि इधर एक छोटा सा मकान ले लूँ और यहाँ रहूँ, और वेदर बहुत अच्छा है, रात को अब भी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो मैं तो मैसेज दूंगा अपने कराची के लोगों को, लाहौर के लोगों को, और जो सिंध के, बलूचिस्तान के, स्पेशली पंजाब के मेरे प्यारे प्यारे लोग इधर आ जाएं और मौसम को एंजॉय करें, खाएं पिएं, घूमें फिरें और चिल करें। जी हमारे साथ एक और भी यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं जो टूरिस्ट हैं और लंदन से यहाँ पहुँची हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि वो एक फ़ीमेल होकर इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं टूरिस्ट भी हूँ मगर मैं यहाँ की भी हूँ, हमारी पैदाइश लंदन की है, तो लंदन से नॉर्थन पाकिस्तान मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, और अक्सर मैं आती रहती हूँ फॉर 3-4 मंथ्स, अभी मुझे 4 माह हो चुके हैं। पाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है, और स्पेशली वीमेन के लिए यहाँ के लोग, वो यू नो
किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है. यू वेरी वेरी सेफ इन दिस कंट्री. इट्स अ वेरी सेफ कंट्री. अनफॉर्चुनेटली द मीडिया सेज अदरवाइज. कम एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ. डिस्कवर पाकिस्तान फॉर योरसेल्फ. थैंक यू सो मच भाई. ये बहुत बेहतरीन मैसेज दिया कि डिस्कवर पाकिस्तान अपने तौर पे आप डिस्कवर करें, पाकिस्तान को खुद से आगे डिस्कवर करें, देन रियलाइज कि पाकिस्तान इज़ अ सेफेस्ट कंट्री फॉर एवरीवन.